को के उसका, लिंक आपको मिल जाएगा में उसका आपको बहुत ज्यादा अच्छे अच्छे देखने को ब्लॉग मिले साउथ इंडियन इंडस्ट्री के फैंस की बात करें तो शायद पूरी दुनिया में उनके जैसे पैशनेट फैंस आपको कहीं देखने को नहीं मिलेंगे केरला में एक फैन क्लब ने विजय के लिए वन फीट लम्बा कट आउट बनाया जिसमें लाखों रूपए लगे थे विजय का मानना है की उन्हें बॉलीवुड में जाने की जरूरत ही नहीं है क्यूँकी तमिल इंडस्ट्री ही उनके लिए सब कुछ है आप लोग ठीक ठाक है हम दोनों मजे में हैं और हमने थोड़े दिन पहले एक रिएक्शन दिया था जिसमें थर्टी थ्री फैक्ट्स अबाउट अलू अर्जुन थे और बहुत सारे लोगों का आया कि जी अब आप जो है थर्टी फैक्ट्स अबाउट थलापति विजय पे रिएक्शन दें सो बिल्कुल हम लोग रिएक्शन देने लगे थलापति विजय पे और वही चैनल है सोशल और इनके चैनल का नाम वीडियो का लिंक आपको एज यूजल मिलेगा डिस्क्रिप्शन में सो so, वीडियो देखेंगे देखने के बाद ही हम करेंगे Welcome to Social. खलापति विजय इंडियन सिनेमा के सबसे पॉपुलर एक्टर्स में से एक हैं जिनकी फिल्म से हमेशा बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड्स ब्रेक होते हैं विजय hmm. ने तमिल सिनेमा की कई आइकॉनिक फिल्म्स की हैं जिनके रीमेक्स बॉलीवुड में भी बहुत सक्सेसफुल रहे हैं विजय के लुक से लेकर उनके एक्टिंग स्टाइल तक ऑडियंस hmm. उनकी हर एक फिल्म को एक फेस्टिवल की तरह सेलिब्रेट करती है जिसका क्रेज आपको उनकी नई फिल्म मास्टर में भी देखने को मिला होगा इस वीडियो में हम आपको थलापति विजय की लाइफ से जुड़े 30 फैक्ट्स बताएंगे जो शायद आप नहीं जानते हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें आई एम कमिंग फॉर यू आई एम वेटिंग नंबर वन विजय ने अपने चाइल्डहुड से ही एक्टिंग करना शुरू कर दिया अच्छा। था जहां उन्होंने 10 साल की उम्र में अपने फादर की डायरेक्टेड फिल्म वेत्री में एक रोल प्ले किया था इसके बाद उन्हें सुपरस्टार रजनीकांत के साथ एक फिल्म में एज अ चाइल्ड एक्टर देखा गया और वहीं रजनीकांत विजय की इंस्पिरेशन बन गए थे विजय ने कई बार इंटरव्यूज में खुद कहा है की अगर रजनीकांत नहीं होते तो मैं कभी एक्टर बनने का सोचता ही नहीं नंबर टू विजय की लाइफ की एक बहुत ही इमोशनल स्टोरी है जो उनके चाइल्डहुड से जुड़ी है विजय ने अपनी सिस्टर को ब्लड कैंसर की वजह से खो दिया था और उस वक्त उनकी सिस्टर की एज सिर्फ साल साल थी विजय उस वक्त साल के थे और उनके लिए वो टाइम बहुत ही डिफिकल्ट रहा था उनकी मदर ने एक इंटरव्यू में बताया था की विजय विद्या से बहुत प्यार करते थे और हमेशा उनका ध्यान रखते थे विद्या के जाने के बाद से ही विजय की पर्सनैलिटी में चेंज आया था जहां उन्होंने सबसे बात करना ही बंद कर दिया था और वो बहुत शांत रहने लगे थे आप सब भी समझ सकते हैं कि एक भाई और बहन का इमोशनल कनेक्ट कितना स्ट्रांग होता है और अगर ऐसी ट्रेजेडी किसी की लाइफ में हो जाए तो वो इंसान हमेशा के लिए बदल जाता है विजय आज भी काफी शांत और सीरियस नजर आते हैं और शायद इसका रीजन उनके बचपन में हुए इस इंसिडेंट से ही रहा हो नंबर थ्री विजय के फादर हमेशा से उन्हें डॉक्टर बनाना चाहते थे क्योंकि अपनी बेटी को खोने के बाद उन्हें लगा कि विजय को डॉक्टर बनके लोगों की लाइफ में कॉन्ट्रीब्यूशन करना चाहिए पर विजय को डॉक्टर बनने में इंटरेस्ट ही नहीं था उन्होंने अपनी टीन से ही डिसाइड कर लिया था कि वो एक एक्टर ही बनेंगे विजय ने यह बात जब अपने फादर को बताई तो वो थोड़ा गुस्सा हुए और ऐसे ही विजय को कह दिया कि अगर तुम्हें एक्टर बनना है तो चलो एक्टिंग करके दिखाओ विजय ने फिर रजनीकांत की फिल्म का एक मोनोलॉग सीन एक्ट करके दिखाया जिससे उनके फादर काफी इम्प्रेस हुए उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि विजय एक्टिंग भी कर सकते हैं पर उस मोमेंट से ही उन्हें भी लगने लगा कि विजय को एज एन एक्टर लॉन्च किया जा सकता है नंबर फोर उनके पहले लीड रोल की बात करें तो विजय ने 1992 की फिल्म नलया थिर में काम किया था जब वो सिर्फ अठारह साल के थे फिल्म को उनके okay. फादर ने ही डायरेक्ट किया था पर फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही एक फिल्म मैगजीन में पब्लिश किए गए आर्टिकल में तो विजय की एक्टिंग और उनके लुक्स को इतना ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया था जिसे पढ़कर के विजय खुद भी रोने लगे थे विजय उस वक्त अठारह अच्छा साल के थे और उन्हें बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था की लोग उन्हें इतना क्यों क्रिटिसाइज कर रहे हैं इसके बाद भी विजय की कई फिल्म फ्लॉप रही पर धीरे धीरे उनकी फिल्म को अच्छा रिस्पॉन्स मिलने लगा और उन्हें एक रोमांटिक हीरो की तरह देखा जाने लगा विजय जब सक्सेसफुल हो गए तो उसी मैगजीन ने विजय को अपने फ्रंट कवर पे फीचर किया और आप देख सकते हैं कि मीडिया में कितने डबल स्टैंडर्ड्स होते हैं जब आपका बुरा टाइम चल रहा होता है तो मीडिया आपकी इमेज खराब करती है और जब आप सक्सेसफुल हो जाते हैं तो यही मीडिया आपकी सक्सेस स्टोरी को कवर करने पहुँच जाती है नंबर विजय की की लव लाइफ की बात करें तो वो कहानी भी बहुत स्वीट है उनकी शादी संगीता सरोना लिंगम से 1999 में हुई थी जो इनिशियली उनकी फैन हुआ करती थी हुआ यूं की एक फिल्म की शूटिंग के दौरान संगीता विजय से सेट पे ही मिलने पहुंच गई और वहीं से दोनों की दोस्ती शुरू हुई इसके बाद दोनों ने शादी कर ली नंबर okay. सिक्स थलापति विजय का रियल नेम जोसेफ विजय चंद्रशेखर है और उन्हें थलापति का नाम उनके फैंस ने ही दिया है थलापति का मतलब कमांडर होता है और 1994 की फिल्म रसीगन में उनका नाम थलापति विजय ही लिखा गया था जिसके बाद से हाँ। फैंस ने भी उन्हें इसी नाम से बुलाना शुरू कर दिया नंबर सेवन काफी कम लोग जानते हैं कि मिस वर्ल्ड बनने के बाद प्रियंका चोपड़ा ने अपना एक्टिंग डेब्यू 2002 में आई तमिल फिल्म थमिजा से किया था जिसमें फिल्म के लीड एक्टर थलपति विजय ही अच्छा। थे ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही थी और इसके बाद से ही प्रियंका चोपड़ा को बॉलीवुड में भी कई बड़ी फिल्म ऑफर हुई थी नंबर एट 2001 की शुरुआत में विजय ने एक्शन मूवीज में काम करने का डिसीजन लिया था और 2004 में आई उनकी फिल्म हो हाँ, गया था डिसीजन बिल्कुल गलत नहीं था गिली तमिल सिनेमा की उस वक्त की सबसे बड़ी हिट रही थी जहां फिल्म ने 50 करोड़ हाँ, का बिजनेस किया था पचास करोड़ आज की फिल्म के हिसाब से तो कोई इतना नहीं है टू थाउजेंड में एक रीजनल फिल्म के लिए पचास करोड़ का बिजनेस करना बड़ी बात थी उस टाइम ऐसे रिकॉर्ड सिर्फ सुपर रजनीकांत की फिल्म ही बनाया करती थी जहाँ उनकी हाईस्ट ग्रोसिंग फिल्म का कलेक्शन फोर्टी करोड़ था फिल्म ने जब ये रिकॉर्ड तोड़ा तो विजय को भी एक सुपरस्टार के तौर पर देखा जाने लगा और आगे आने वाले सालों में उनकी हर फिल्म से नए रिकॉर्ड्स बने हैं। नंबर नाइन रीमेक्स की बात करें तो थलपति विजय इतने फेमस तमिल एक्टर हैं कि उनकी सभी फिल्म्स को हिंदी में डब किया जाता है और उनकी फिल्म्स के रीमेक भी बनाए जाते हैं अक्षय कुमार की फिल्म हॉलीडे विजय की फिल्म थुपक्की का रीमेक थी और सलमान की फेमस फिल्म वांटेड भी तभी बनाई गई थी जब प्रोड्यूसर्स ने विजय की फिल्म पोखिरी को देखा था वैसे तो पोखिरी पहले तेलुगु में महेश बाबू के साथ बनाई गई थी पर जब प्रोड्यूसर्स ने विजय का तमिल रीमेक देखा तो उसी की डायरेक्टर ने प्रभु देवा को वॉन्टेड के लिए अप्रोच किया ये एक बहुत ही अमेजिंग कनेक्शन है क्योंकि उस वक्त सलमान का करियर भी डाउनफॉल पर था और उन्हें एक हिट फिल्म की जरूरत थी आप सोच के देखिए अगर प्रोड्यूसर्स ने विजय की फिल्म देखी ही ना होती तो सलमान को वांटेड जैसा स्ट्रॉन्ग कम बैक मिलता ही नहीं नंबर टेन सुशांत सिंह राजपूत और विजय के साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट जुड़ा हुआ है हुआ यूँ की फिल्म विजिल में विजय के कैरेक्टर की यंग एज और ओल्ड एज दोनों की कहानी दिखाई गई थी फिल्म में यंग एज वाला कैरेक्टर तो विजय ही प्ले करने वाले थे पर उसी कैरेक्टर की ओल्ड एज दिखाने के लिए किसी और एक्टर को लिया जाने वाला था उसी दौरान सुशांत की फिल्म चिछोरे भी प्रोडक्शन oh. में थी जहाँ मेकअप और प्रोस्थेटिक्स की मदद ऐसी उनके कैरेक्टर को भी दो अलग एजेस में दिखाया गया था विजिल के मेकर्स को ये बात पता चली तो उन्होंने विजय को सुशांत के कुछ स्केचेस दिखाए और उन्हें बताया गया की विजय को भी इसी टेक्निक ऐसी ओल्ड दिखाया जा सकता है विजय सुशांत के लुक से काफी इम्प्रेस हुए थे जिसके बाद फिल्म छिछोरे की मेकअप आर्टिस्ट प्रीति शीतल सिंह को ही उन्होंने अपनी फिल्म के लिए अपॉइंट कर लिया था विजय का लुक फैंस को बहुत पसंद आया और उनके ओल्ड एज लुक को भी अप्रिशिएट किया गया नंबर इलेवन बहुत सालों पहले विजय और कैटरीना कैफ को कोला के एड में एक साथ नजर आए थे ये एड उन दिनों बहुत पॉपुलर हुआ करता था पर पिछले साल दोबारा इस एड को लोगों ने देखना शुरू किया जिसके पीछे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है एक इंटरव्यू के दौरान कैटरीना कैफ ने बताया कि इस एड को शूट करते हुए उन्हें विजय की हम्बल नेचर का पता चला हुआ यूं कि शूटिंग खत्म हो चुकी थी और हर कोई पैकअप कर रहा था वही विजय कैटरीना को बाय बोलने आए पर कैटरीना उस वक्त अपने फोन पर बिजी थी फिर जब कैटरीना को रियलाइज हुआ की विजय इतनी देर से उन्हें सिर्फ बाय बोलने के लिए खड़े हैं तो इस चेस्टर से कैटरीना बहुत After some time, I still see these yeah. feet. Yeah. Finally, I've looked up, and I see that it's the guy in the yes. ad with us, who is yes. an actor, yes. South superstar, Big his name star. is Vijay. Yeah, And he was so polite, he was waiting not to disturb me to say goodbye. Oh, wow! He was that so is very sweet. polite. नंबर ट्वेल्व विजय आज तक सिर्फ एक ही हिंदी फिल्म में नजर तो तो आए हैं और है। है? है? hmm. अगेन में भी आपको विजय की एक छोटी सी झलक नजर आती है जहाँ एक फाइट सीक्वेंस से पहले विजय की फोटो को दिखाया गया है इस सीन के थ्रू रोहित शेट्टी ने विजय को एक नया ट्रिब्यूट दिया है जहाँ उन्हीं की फिल्म के बैकग्राउंड म्यूजिक पर अजय देवगन एक्शन करते नजर आते हैं नंबर फोर्टीन गोलमाल के अलावा भी रोहित शेट्टी ने फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस में थलापति विजय की फिल्म गिली के कुछ सीन से इंस्पिरेशन ली थी जहां फैंस ने फिल्म के ट्रेलर में चीज नोटिस कर नहीं, नहीं। नहीं। थी बॉलीवुड ने बहुत बार साउथ इंडियन फिल्म से इंस्पिरेशन ली है और कई बार ये इंस्पिरेशन बिना किसी क्रेडिट के ली जाती है शायद बॉलीवुड में कल्चर ही इस तरह का रहा है जहाँ साउथ इंडस्ट्री में जो चीज सक्सेसफुल रही होती है वो वैसा ही कुछ बॉलीवुड में भी बनाने की कोशिश करते हैं पर ज्यादातर बॉलीवुड रीमेक्स में वो बात ही नहीं होती जो उनकी ओरिजिनल फिल्म में नजर आती है नंबर फिल्म तो विजय के करियर की एक बहुत ही आइकॉनिक फिल्म है जिसने 100 करोड़ से ज्यादा का बॉक्स ऑफिस बिजनेस किया था तमिल सिनेमा में इससे पहले सिर्फ सुपरस्टार रजनीकांत की मूवीज ही 100 करोड़ प्लस का बिजनेस करती थी और पहली बार ऐसा हुआ था कि किसी नॉन रजनीकांत फिल्म ने इतनी कलेक्शन की हो सो इफ यू रियलाइज विजय ने हमेशा रजनीकांत जी से इंस्पिरेशन ली है और आज विजय ही ऐसे एक एक्टर है जिन्हें रजनीकांत के बाद तमिल सिनेमा में इतना रिक्शन मिला है नंबर सिक्सटीन अगर आप विजय के साथ साथ विद्युत जम्वाल के फैन हैं तो ये फैक्ट आपके लिए है फिल्म पक्की में विद्युत ने ही विलन का रोल प्ले किया था और सभी को उनकी और विजय की ऑन स्क्रीन कम्पेटेबिलिटी काफी पसंद आई थी विजय को अपने कैरेक्टर के लिए अवार्ड्स तो मिले ही थे पर नेगेटिव रोल के लिए विद्युत को भी साइमा अवार्ड दिया गया था जो साउथ इंडियन इंडस्ट्री के सबसे प्रेस्टीजियस अवार्ड में गिना जाता है विद्युत ने फिल्म में बहुत ही परफेक्शन से अपना कैरेक्टर प्ले किया था और अगर फिल्म हॉलीडे में उन्हें एज अ विलन कास्ट किया जाता तो शायद ही अक्षय कुमार को इतनी हाइप मिलती नंबर सेवेंटीन थलापति विजय की फिल्म सोशली काफी रेलिवेंट होती है जहाँ बहुत बार उनकी फिल्म से पोलिटिकल पार्टीज को प्रॉब्लम हुई है टू थाउजेंड थर्टीन की फिल्म थलाइवा में भी कुछ ऐसा ही हुआ जहाँ गवर्नमेंट ने फिल्म को तमिलनाडु में बैन कर दिया फिल्म गवर्नमेंट को पोलिटिकली प्रोवोकेटिव लगी और फिल्म की टैग टाइम टू लीड से उन्हें लगा की फिल्म लोगों को गवर्नमेंट के खिलाफ करने के लिए बनाई गई है थिएटर ओनर्स को डराया जा रहा था जहां उनके थिएटर को जला देने की धमकिया दी गई थी इन सभी चीजों को देखते हुए विजय ने एक वीडियो लॉन्च किया जिसमें वो फैंस और गवर्नमेंट से फिल्म की रिलीज के लिए रिक्वेस्ट कर नजर आते हैं थेबा को फिर एक हफ्ते बाद कुछ सीन्स और डायलॉग्स चेंज करके रिलीज कर दिया गया पर तब तक ऑलरेडी फिल्म की पायरेटेड कॉपीज मार्केट में आ चुकी थी जिसकी वजह से फिल्म को काफी भारी लॉस हुआ <laughs> फिल्म ने सौ करोड़ तक का कलेक्शन किया पर जिस तरह से इसकी हाइप थी सबका मानना था की फिल्म टू हंड्रेड तो आराम ऐसी अर्न कर लेगी नंबर एटीन थलाइवा की रिलीज को जब रिले कर दिया गया तो एक बहुत ही सैड इंसिडेंट सामने आया जहाँ एक फैन ने अपनी जान दे दी उनके वो फैन हमेशा विजय की फिल्म का फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखा करते थे पर जब तमिलनाडु में फिल्म को रिलीज ही नहीं होने दिया गया तो उसके अफसोस में 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 उन्होंने अपनी oh. जान दे दी। बहुत दिल से अपने से अपने जुड़े होते हैं और उनका पैशन आपको में साफ नजर आता है। We hope आगे ऐसे hmm. ना हो और कुछ फैंस भी इन चीजों को रियलाइज करें कि 2015 में दोबारा विजय कंट्रोवर्सी में आए जहां फिल्म के रिलीज से एक दिन पहले ही उनके घर पर इनकम टैक्स गवर्नमेंट का कहना था कि जब तक विजय की इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हो जाती तब तक उनकी फिल्म को रिलीज नहीं किया जा सकता फैंस को एक प्लान स्ट्रेटेजी लगी जहां हर जगह से फैंस उनके घर के बाहर आकर खड़े होने लग गए और इस पूरी इन्वेस्टिगेशन का सिनेरियो एक नेशनल डिबेट बन गया था इस इन्वेस्टिगेशन का रिजल्ट भी विजय के फेवर में था जहाँ ऑफिसर्स को कोई टैक्स फ्रॉड रिलेटेड एविडेंस नहीं मिला हालांकि इसकी वजह से डिस्ट्रीब्यूटर्स और थिएटर ओनर्स को काफी लॉस हुआ जहाँ विजय की फिल्म के पहले दिन के शोज को रिलीज ही नहीं मिल पाई

नंबर ट्वेंटी टू विजय एक फिल्म की शूटिंग के लिए यूएस गए थे जहां उन्होंने टॉम क्रूज के बीच हाउस में विजिट किया था उस घर की लोकेशन और उसका आर्किटेक्चर विजय को इतना पसंद आया कि उन्होंने एग्जैक्टली exactly वैसा ही घर अपने लिए चेन्नई mm. में बनाया mm. है नंबर ट्वेंटी थ्री हलापति विजय हमेशा से ही सोशल वर्क में सबसे आगे रहे हैं जानते हैं कि 2020 में कोविड की वजह से पूरी दुनिया को कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा इसी बीच विजय ने एक करोड़ से भी ज्यादा का डोनेशन रिलीज को दिया था और साथ ही साथ उन्होंने अपने फैंस को भी फाइनेंशियली हेल्प किया जो लॉकडाउन की वजह से फंस गए थे नंबर ट्वेंटी फोर जब टू थाउजेंडेंड एट में आईपीएल लॉन्च हुई तो विजय चेन्नई सुपर किंग्स के ब्रांड एम्बेडर थे कॉन्ट्रैक्ट mm खत्म -hmm. होने के बाद भी विजय कंटिन्यूसली टीम को सपोर्ट करने आया करते थे oh. और इस साल आईपीएल से पहले उनकी एक वीडियो वायरल हुई जहां वो क्राउड में चीयर करते नजर आते हैं इस वीडियो को देख के सब इतने स्टैलजिक हो गए की ट्विटर पर विजय को लेकर ट्रेंड बन गया जिसका क्रेज देख के ऑफिशियली सी एस के ने उन्हें एज अ ब्रांड एम्बेसिडर साइन कर लिया था नंबर ट्वेंटी फाइव फिल्म बिगिल में वो एक फुटबॉलर के कैरेक्टर में नजर आते हैं और इस रोल के लिए रियालिटी में उन्होंने फुटबॉल के ट्रिक्स सीखे थे अगर आपने पहले और मिलियन डॉलर आम जैसी तो स्पोर्ट्स फिल्म देखी है स्पोर्ट्स कोरियोग्राफर ने विजय की फिल्म बिगिल में उन्हें फुटबॉल की ट्रेनिंग दी थी नंबर 26 विजय की खुद की प्रोडक्शन कंपनी भी है जिसका नाम वीवी प्रोडक्शंस है डबल वीवी इनिशियल का मतलब है विद्या विजय प्रोडक्शंस ना। जिसका नाम उन्होंने अपनी सिस्टर की याद में रखा है इसके अलावा विजय ने अपनी डॉटर का नाम दिव्या रखा है जो उनकी सिस्टर विद्या के नाम से ही मिलता है नंबर 27 साउथ इंडियन इंडस्ट्री के फैंस की बात करें तो शायद पूरी दुनिया में उनके जैसे पैशनेट फैंस आपको कहीं देखने को नहीं मिलेंगे केरला में एक फैन क्लब ने विजय के लिए 175 फीट लंबा कटआउट बनाया जिसमें लाखों रुपए लगे थे ये सभी पैसे इन फैंस ने फैंस्यूट किए थे इसके अलावा भी विजय के फैंस उनकी फॉलो करते हैं जहाँ इसी तरह पैसे कॉन्ट्रीब्यूट करके वो सोशल कॉजेज में मदद करते हैं ऐसा आपको सिर्फ साउथ इंडस्ट्री में ही देखने को मिल सकता है जहाँ एक्टर्स के अलावा फैंस भी उनके नाम पे चैरिटी वर्क और सोशल काम करने में बिलीव करते हैं

नंबर ट्वेंटी नाइन विजय की नेक्स्ट फिल्म मास्टर को पैन इंडिया में रिलीज किया जाने वाला है अगर लॉकडाउन नहीं हुआ तो ऐसा कहा जा रहा था कि मास्टर से अपनी पुरानी फिल्म बिगिल का रिकॉर्ड भी वो तोड़ देते जिसने अराउंड थ्री हंड्रेड करोड़ का बिजनेस किया था इस फिल्म को थिएटर में रिलीज किया जाने वाला है और माना जा रहा है की इस फिल्म से लोग थिएटर में वापस आएंगे जिससे फ्यूचर में आने वाली फिल्म को भी फायदा होगा हम भी इस फिल्म से बहुत एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं और आप भी हमें अपने कॉमेंट्स में बताए की क्या मास्टर ईयर टू की पहली बड़ी हिट फिल्म होगी नंबर थर्टी विजय मास्टर्स में इतने पॉपुलर हैं कि उन्हें बॉलीवुड में भी कई बार फिल्म्स ऑफर की गई हैं लेकिन कभी भी उन्होंने बॉलीवुड में इंटरेस्ट नहीं दिया विजय का मानना है कि उन्हें बॉलीवुड में में जाने की जरूरत ही ही नहीं है है क्योंकि तमिल इंडस्ट्री ही उनके लिए सब कुछ हमारे ओपिनियन भी विजय को बॉलीवुड से दूर ही रहना चाहिए और अपनी फिल्म को ही हिंदी में रिलीज करना चाहिए विजय मास्टर्स को पसंद आने वाले एक्टर है जहाँ बच्चों से लेकर बुढ़े लोगों तक हर कोई उनकी फिल्म को देखना पसंद करता है अगर वो बॉलीवुड में आते हैं तो श्योरली उनके फैंस उस हिंदी फिल्म को हिट बना देंगे पर

बड़े ही स्वीट बड़े ही प्यार करने वाले जिस तरह से अपने एक्टर्स को ये चाहते हैं तो वो उस चीज की दाद देनी बनती है और लेकिन लाखों रुपया हाँ, के... मतलब के... है कि उनका आउट बनाया हाँ, उनके कट नाम पे डोनेशन देते हैं लेकिन एक चीज थोड़ी मुझे लगी कि आप जितना मर्जी प्यार करें अपने फेवरेट स्टार्स लेकिन अपनी जान मत दें जान को इतना सस्ता नहीं आपने समझना ठीक है आपसे एक फिल्म उनकी मिस होगी कोई मसला नहीं नेक्स्ट आप जाके देखें

उनको हुआ काफी वो अभी भी कहते हैं कि चुपचाप रहते हैं और बेटी का नाम भी अपनी बेटी बेटी के नाम, नाम, नाम से मिलता जुलता रखा हाँ है। तो बहन के नाम से मिलता जुलता रखा अपनी प्रोडक्शन का नाम वी वी रखा हुआ हाँ। हाँ। है और जिस तरह से यही बात है कि जब आपकी एक फिल्म हिट ना हो तो वही आपके पीछे मीडिया पड़ जाता है और जब आपकी फिल्म हिट हो तो इस रेड पड़ी, हाँ। पड़ी थी उनकी मूवी के बिल्कुल रिलीज से पहले उससे नुकसान भी हाँ। हुआ था और मतलब काफी हर्डल्स आए इनके रास्ते में और जिस तरह बताया जा रहा है काफी डाउन टू अर्थ है अपनी फैन से शादी की ये बड़ी अच्छी बात है और प्रियंका चोपड़ा ने इनके साथ डेब्यू किया कैटरीना कैफ, कैफ कोका कोला के एड में आई हुई है कटरीना कैफ ने ने इनका किस्सा भी बताया, बताया था कि जब सब जा रहे थे पैकअप हो गया था तो कैटरीना कैफ कॉल भी थी तो ये उनको बाइक कह रहे हैं और जब तो कैटरीना ने उन... नहीं देखा तब तक तो वो वहाँ खड़े रहे बाय हाँ। बोलने के लिए और किस तरह रजनीकांत को ये अपनी अपना आइडल समझते हाँ। हैं और फिर उन्हीं की फिल्म्स जो बिजनेस उस टाइम पे किया करती थी इनकी फिल्म घिल्ली ने किया फिफ्टी करोड़ का जो रजनीकांत थलाइवा के अलावा कोई नहीं कर सकता था और मतलब काफी छोटी छोटी डिटेल्स हमको बताई गई बिजल में जिस तरह दाढ़ी वाली इनको दाढ़ी चाहिए थी तो सुशांत so, सिंह की ही मेकअप वो जो हाँ, फिल्म आ रही थी उन्हीं की जो आर्टिस्ट थी उन्हीं को इन्होंने हायर कर लिया फिर थोड़ी बहुत जो उनकी बॉलीवुड में अपेयरेंसेज थी उनके बारे में हमको बताया गया और मुझे एक बात बड़ी अच्छी लगी कि ये कहते हैं मेरे लिए साउथ इंडस्ट्री ठीक है और ये इनका बहुत अच्छा फैसला है और अपने फिल्म के इंटरव्यू जब होता है तो उन्होंने अपने से ना है बंद कर वो हाँ, दो से वो फैन इवेंट ऑर्गेनाइज तो करते हैं और इनकी फैन फॉलोइंग इतनी है कि भाई इनको इंटरव्यू कहीं देने की जरूरत ही नहीं और इनकी हर फिल्म हिट होती है धमाकेदार होती है और जिस तरह इनकी फिल्म के रीमेक्स भी काफी सारे बने एक ऐसी फिल्म है जिन जो रीमेक थी और ये उनमें थे नानबान जो थी थ्री इडियट का रीमेक तो वो चलें कभी कभार ऐसा भी हो जाता है लेकिन मोस्टली साउथ फिल्म्स के रीमेक्स बनते हैं जिसमें सलमान खान की वांटेड हो गई या अच्छे हॉलीडे में आए थे तो मतलब है कि कमाल हैं और जितनी तारीफ की जाए कम है डाउन टू अर्थ है इनकी फैन फॉलोइंग आप देखें तो आप कहते हैं यार कितने सिंसेयर फैंस हैं वो तो जो क्रिकेट टीम थी जिसमें ये उसके थे मेरे ख्याल से एम्बेसडर थे या क्या थे तो उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद भी आते थे चेयर हाँ, करने के लिए लड़कों और को। और उनका वो जज्बा की फिर से उनके कॉन्ट्रैक्ट कर, कर, लिया गया मतलब कि आप चेक करें कि कितने कमाल हैं ये इंसान और ये जब यूएस गए थे शूट के लिए तो वहाँ पे जो टॉम क्रूज का हाउस जो वहां पे वो रहे थे हाँ, तो सेम वैसा अपना घर फिर रश्मि का मंडाना जो आजकल बहुत छाई हुई है और उनके बारे में मुझे भी बहुत सारे लोग कह रहे थे आप रिएक्शंस करें तो जरूर बताइए किस चीज पे उनके कौन से काम पे हम रिएक्शन कर सकते हैं उनके ये है क्रश है और बहुत सारी लड़कियों

स्टोरी है सैड भी है और अगर आप किसी से पूछें तो वो आपको सुनाएगा और आपकी आंखें भर आएंगी तो बहुत सारे नोटेड वर्क हैं यार इनके एंड में पूछा गया कौन सा आपको अच्छा लगता है अभी तक हमने इनकी मूवी नहीं देखी लेकिन मास्टर बिजिल के हमने रिएक्शंस दिए और घिल्ली तो मतलब कमाल है हर मूवी इनकी कमाल है शुरू में कुछ फ्लॉप्स हुई लेकिन उसके बाद मुझे नहीं लगता इनकी कोई फिल्म फ्लॉप हुई है तो बहुत कुछ जानने को मिला है थलापति के बारे में and I hope कि आपको भी अच्छा लगा हो कुछ आप ऐड करना चाहें तो कर दें और मजीद कोई रिएक्शन चाहते हैं देखना तो हमें बता दें अच्छा लगा तो थोड़ा सा काम है इसी तरह हम और रिएक्शन लेके आते रहेंगे तब तक